सीरीज में रोहित शर्मा भले ही चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन राहुल और विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्होंने ब्रेक लिया था या फिर टीम मैनेजमेंट टी20 फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों को मौका दे रही थी। उसके बाद खबर आने लगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का अब टी20 में खेलना मुश्किल है, लेकिन पूर्व चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर इस बात से इत्तफाक नहीं रखते हैं और उन्हें लगता है कि विराट और रोहित टीम इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के लगातार आने के बावजूद दोनों खिलाड़ियों की टीम में जगह सुरक्षित है। दोनों ने भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ किया है, दोनों फिट हैं और उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। मुझे लगता है कि जब बड़े इवेंट होंगे दोनों टी20 टीम में वापसी करेंगे। वे भारत के टेस्ट टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुझे भरोसा है कि दोनों आगे भी खेलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।